इस वीडियो में आज हम क्लास 10 आरएस अग्रवाल किताब का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है fx is equal to x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई gx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमको क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो इसको पहले लिखेंगे gx वाला टर्म को यहाँ पे इस तरह से, और fx वाला पूरा टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर दे रहे हैं, 2 को बाद में कर दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर से पहले माइनस का साइन है, 2 के पहले प्लस का साइन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो इसके जगह पे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए, इसको यहां पे लिख दिए। अब यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। पावर को घटाते हैं, 4 में 2 गया तो 2, यानी एक्स का पावर 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिखे, और यहां पे पूरा दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पावर जुड़ जाएगा 2 2 4, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर, यानी ये वाला यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज किए तो ये और ये कट गया, सेम सेम था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x और प्लस 6, ये पूरा टर्म बच गया। सिमिलर टर्म था नहीं, इस वजह से प्लस माइनस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है। फिर से एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 2 है, तो सबसे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 2 2। अब पावर को घटाएंगे, 2 में 2 गया तो 0, यानी एक्स का पावर 0 यानी कि 1, इसीलिए ओनली माइनस 2 रहेगा। अब माइनस 2 से इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 लिखे यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 4, 2x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4। साइन चेंज करते हैं, इसका भी साइन चेंज कर लेते हैं, ये और ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे माइनस 5x बच गया, और प्लस 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 6 4 10 हो गया। तो इस तरह से रिमाइंडर निकल गया, ये क्वोशेंट निकल गया, ये यहाँ पे लिखेंगे क्वोशेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। तो ये मेरा आंसर हो गया।